सुशांत लोक फेस एक इलाके की एक आलीशान कोठी के बेसमेंट में चलाए जा रहे कैसीनो का भंडाफोड़ शुक्रवार देर शाम सेक्टर 29 थाना पुलिस ने किया है। मौके से मकान मालिक जो कैसीनो का संचालक भी है उसे चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पांच आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया, जबकि मकान मालिक और कैसीनो का संचालन करने वाले प्रोटोकॉल ऑफिसर को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया। पुलिस को मकान के बेसमेंट से 290 बोतल विदेशी शराब, काफी संख्या में कैसीनो के क्वाइन के साथ ही ताश ही एक दर्जन ताश की गड्डियां बरामद की। ACP DLF करण गोयल ने बताया कि पुलिस टीम को घर में कैसीनो चलने की जानकारी मिली थी। उसके बाद टीम को तैयार कर सुशांत लोक फेज एक के मकान नंबर B33A में शुक्रवार देर रात को छापेमारी की गई। मकान के बेसमेंट में पूरा इंतजाम था और वहां पर पांच लोग बैठकर कैसीनो खेल रहे थे। टेबल पर से 5000 के 29, 1000 के 30, 500 के 30, 100 के 85, 50 के 60, 20 के 27, 10 के 64 कैश चिप बरामद किए गए। इसके अलावा RAC खेलने वाली 3 स्टिक, 50 पैकेट ताश खुली एवं 6 पैकेट सीलबंद ताश सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस को मकान से लाखों रुपए की भारी संख्या में विदेशी शराब भी मिली, जबकि आरोपी के पास शराब रखने का लाइसेंस नहीं था। ऐसे में पुलिस ने आबकारी विभाग को भी सूचना देकर कार्रवाई के लिए मौके पर बुलाया गया। आरोपियों की पहचान कैसीनो संचालक व मकान मालिक प्रवेश पाल कपूर, साउथ सिटी फेज एक निवासी कवलजीत सिंह सेठी, सेक्टर 43 निवासी नरेश कुमार, DLF फेज 4 निवासी मोहनलाल एवं सुशांत लोक में ही रहने वाले हरेंद्र सिंह के रूप में की गई। सभी बिना मास्क लगाए कैसीनो खेल रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि कैसीनो संचालक आरोपी प्रवेश पाल कपूर ही अपने घर के बेसमेंट में काफी समय से कैसीनो चला रहा था। बेसमेंट में कैसीनो के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए शराब और खाने की व्यवस्था भी होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कैसीनो संचालक प्रवेश पाल कपूर दिल्ली स्थित जर्मनी में बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर काम करता है। विदेशी शराब कहां से और कैसे मंगा रहा था? बताया जाता है कि दुनिया में जो भी विदेशी शराब उपलब्ध है उनमें से अधिकतर की बोतलें बरामद की गई हैं। शराब रखने के बारे में मकान मालिक से परमिट मांगा गया लेकिन उसके पास नहीं था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी काफी समय से कैसीनो को घर में चला रहा था। कैसीनो में जानकार लोग आते हैं और वो रुपए देकर चिप्स खरीदते थे। उन चिप्स के माध्यम से घर में जुआ खेलते थे। जुआ खेलने के दौरान यह लोग रुपए नहीं लगाते थे, सिर्फ चिप्स के माध्यम से ही खेलते थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।